हेलो एवरीवन, संगीता खुराना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए नई लेके आई हूँ वो चार डिफरेंट टाइप की ब्रेड्स के हैं। कुछ उसमें ब्रेड पिज्जा है, कुछ पास्ता के साथ बनी हुई है, कुछ सैंडविचेस हैं। चलिए बनाते हैं किचन में। पहली ब्रेड की आइटम है ब्रेड पिज्जा। ब्रेड पिज्जा के लिए मैंने ये आटा ब्रेड ली है और एक तीखे किनारों वाली कटोरी लेके इनके राउंड राउंड पीस निकाल लूंगी मैं। पिज्जा राउंड फॉर्म में होता है। वैसे तो अगर आपने ज्यादा शो ऑफ नहीं करना तो आप साबुत पीस के साथ भी आप इसको ब्रेड पिज्जा को सर्व कर सकते हैं। राउंड आराम से निकल जाते हैं। ये देखिए मैंने फोर स्लाइसेस के फोर राउंड्स बना लिए हैं। अब इनको मैं पिज्जा की फॉर्म में मैं नॉनस्टिक पैन में बनाऊंगी और इसके लिए मेरे को और जो जो चीजें चाहिए, इसमें मैंने एक प्याज काटा हुआ है और एक शिमला मिर्च है बारीक कटी हुई, गाजर आप चॉप्ड फॉर्म में भी ले सकते हो, पर मैंने ये कद्दूकस कर दिए क्योंकि जब हम इसको गैस पे हीट देते हैं तो ऊपर से हीट नहीं मिलती, कम मिलती है हीट, तो फिर गाजर कच्ची लग सकती है। और ये लंबे लंबे पतले पतले कटे हुए टमाटो हैं और साथ में ये 2 टेबलस्पून सूजी है जो कि दही के साथ, दही या मलाई के साथ मिक्स करके डालूंगी। अब ये राउंड्स पे मैं मक्खन लगा रही हूँ। मक्खन लगाना है मक्खन लगा लो या आप देसी घी भी मेल्टेड फॉर्म में लगा सकते हैं, मतलब हमारे को ब्रेड को नरम करना है। ये मैंने पीसेस काट कर रखे हैं, गर्मी है ना बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होता अच्छे से। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून दही है, फ्रेश दही है। आप चाहो तो इसमें मलाई भी डाल सकते हो, वो भी 2 टेबलस्पून लेनी है। मलाई से थोड़ा सा वो मेल्ट होके घी बन जाता है। और इसमें मैं डाल रही हूं ये 2 टेबलस्पून ही सूजी है, ये थोड़ी मोटी वाली है, इसको मैं मिक्स कर रही हूं। फ्रेश दही ली हुई है। दो टेबलस्पून तो इसमें डलेगी, सब्जियों के साथ अगर ये थोड़ा सा कम लगे तो ऊपर से और भी डाल सकते हैं। अब ये मैं चारों सब्जियां इसी में, चार नहीं सॉरी, शिमला मिर्च, प्याज और गाजर, तीनों सब्जियां डाल रही हूँ। बाकी आपने और कुछ भी डालना हो तो वो भी डाल सकते हो, जैसे सर्दियों में बारीक कटा हुआ मशरूम भी डाल सकते हो। ये तो ऊपर से डेकोरेशन में टमाटो यूज होगा। अगर ये बैटर थोड़ा सा आपको ड्राई लग रहा है तो आप इसमें दही और डाल सकते हो, सूजी कम लग रहा है तो सूजी और डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 2 टेबलस्पून ही यूज करना। पर इसमें मैं नमक काली मिर्च जब डालूंगी ना तो प्याज थोड़े से वेट कर देते, पानी छोड़ते हैं ना तो ये जो मिक्सर है ढीला पड़ जाएगा, तो इसलिए मैंने आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी बताई है, 4 स्लाइसेस के लिए ये सफिशेंट है। अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून डल जाएगा नमक और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। बाकी तीखा करना हो तो आप ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हो, रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो। और इसमें 1/4 टीस्पून ही मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। लाल मिर्च डाल के थोड़ा सा तीखा हो जाएगा। थोड़ी सी मैंने रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, साथ में डाल रही हूँ ओरिगेनो। ओरिगेनो डालने से इसमें पिज्जा का टेस्ट आने लग जाता है। और अगर आपने और तीखा लेना है तो इसमें ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हो। मैं इसमें खाली टमाटो सॉस डाल रही हूँ अराउंड 2 टेबलस्पून के करीब।
मतलब 4 चम्मच, 2 टेबलस्पून हो गया ये 4 टीस्पून। अब ये मैं अच्छे से मिक्स करके जिस ब्रेड के ऊपर मैंने मक्खन लगा रखा है अच्छे से, अब उसके ऊपर मैं ये अप्लाई कर दूंगी। ये अब मक्खन लगे हुए राउंड स्लाइसेस में मैं इसको लगा रही हूँ। ये झटपट बनने वाला स्नैक्स है, ब्रेड के ऊपर बनता है और सामान पिज्जा का ही डलता है, तो इसलिए इसको ब्रेड पिज्जा भी कहते हैं। इसके ऊपर से चाहो तो आप ओरिगेनो और डाल सकते हो और चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है कि आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो चिली फ्लेक्स डालने से बिल्कुल पिज्जा का ही टेस्ट आता है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा मक्खन भी और ऊपर से रख दिया और ये टमाटो के जो बारीक बारीक मैंने काटे थे, टमाटो के सीड्स नहीं है, मैंने खाली आउटर ही लिए, ये बॉम्बे वाले टमाटो हैं, सीड्स से ना थोड़ा सा वॉटरी हो जाएगा इसलिए मैंने सीड्स नहीं डाले। छोटा पिज्जा लग ही रहा है। ऐसे आप चाहो तो प्याज भी पतले पतले स्लाइसेस डाल के काट के रख सकते हो, ये सारी आपकी चॉइस है, जो आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो डाल सकते हो। अब मैं थोड़ा सा ऊपर से चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। मैंने ओरिगेनो डाल दिया, चिली फ्लेक्स। अब इसके ऊपर मैं सभी पे थोड़ा थोड़ा चीज डाल रही हूँ कद्दूकस करके। चीज जितना डालोगे उतना टेस्ट अच्छा आता है। लग रहा है ना ये पिज्जा ही, तभी तो इसका नाम मैंने दिया है ब्रेड पिज्जा। और सब्जियां इसमें डली हुई हैं, वैसे ही सब कुछ है, बस हमने ब्रेड को हमने राउंड शेप दे दी है। ये देखियो मेरा नॉनस्टिक पैन है और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया और अब इन पिज्जा को, ब्रेड पिज्जा को इसमें सेट कर दूंगी। मैंने पैन पहले गरम कर लिए, 4 इसमें आ जाएंगे। अब मैं गैस चला के इसको स्टार्टिंग से ही सिम पे रखूंगी। मैंने सिम कर दिए गैस बिल्कुल स्लो पे और अब मैं इसको ऊपर से ढक रही हूं। ये 3 मिनट, 2 से 3 मिनट लेगा तो ये पक जाएगा। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, देखिए मेरा पिज्जा रेडी हो गया है, इसमें चीज भी मेल्ट हो गया। अब मैं गैस भी बंद कर रही हूँ, गैस बंद कर दी, अब इसको गरम गरम सर्व करती हूँ। ये देखिए मेरे ब्रेड पिज्जा तैयार हो गए हैं खाने के लिए। इतने सुंदर लग रहे हैं और इतने गरम गरम हैं। आप इनको आप माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं और ओटीजी में भी बना सकते हैं। ओटीजी में 150 डिग्री पे 5 मिनट लगेगा और माइक्रोवेव में 1 मिनट लगेगा।
देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरे ख्याल से इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए इसको खाना शुरू करते हैं। अब मैं अपना दूसरा सैंडविच बना रही हूँ, जो कि पनीर ग्रिल्ड सैंडविच है। उसके लिए मैंने ये ब्रेड लिए 4 स्लाइसेस, और ब्रेड आप चाहे आटा ले सकते हो या मैदा की, मैंने मैदा की ली है। ये सैंडविच ब्रेड है। इसकी एक साइड पे मैं धनिया पुदीने की चटनी लगा रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ी सी दही भी डाल दी थी। 2 स्लाइसेस पे लगाना है। अब दूसरे स्लाइस पे मैं टमाटो सॉस लगा रही हूँ। टमाटो सॉस से पनीर का थोड़ा सा टेस्ट बेटर आ जाता है। अगर आपको नहीं पसंद या ना लगाना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। कईयों को टोमेटो सॉस नहीं पसंद आती, या फिर इसकी जगह आप थोड़ी सी मेयोनीज की भी लेयर बिछा सकते हैं। अब इसके एक स्लाइस पे मैं ये पनीर की सब्जी लगा रही हूँ। ये आपको मैंने पहले भी अपनी एक कुलचा पनीर कुलचा पिज्जा की मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें मैंने पनीर की सब्जी ये भुर्जी बनानी सिखाई थी। तो आप चाहो तो मैं इसके साथ उसका भी लिंक कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी, तो आप पनीर की भुर्जी के वो देख सकते हैं। अब मैं इसको वही सब्जी को मैं ग्रिल्ड ब्रेड के ऊपर यूज कर रही हूँ। इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है और इजी टू कुक है। आप इसको चाहो तो ग्रिल्ड फॉर्म में भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको नॉनस्टिक तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। ये इसके ऊपर मैंने लगा दिया। आप इनके मैं ये सैंडविच बना रही हूँ दोनों के। आप इनके ऊपर दोनों तरफ चाहो तो आप मक्खन मेल्ट करके लगा दीजिए या देसी घी लगा दीजिए दोनों तरफ से, तो इससे ये जल्दी रोस्ट हो जाता है, क्रिस्पी हो जाता है। और चाहो तो जब नॉनस्टिक तवे पे भी बनाएंगे तब भी इसके इस तरफ दोनों साइड्स पे आप घी या मक्खन जरूर लगाएं, तो इससे ये क्रंच जल्दी आता है, ये क्रिस्पी जल्दी होती है। ये मैं ग्रिल कर रही हूँ। ये 2 मिनट लगेंगे इसमें ग्रिल होने में। दो मिनट हो गए हैं, ये मैंने ग्रिल कर लिया। देखिए कितने सुंदर रोस्टेड फॉर्म में निकले हैं। ये देखिए दोनों स्लाइसेस ग्रिल हो गए हैं गरम गरम। अब इनको कट करके दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी है। ये देखो क्रिस्पी आवाज भी आ रही है। हमने नाइफ से इसको काटना है तो हमने प्रेस करके नहीं काटना, प्रेस करके काटेंगे तो पनीर बीच में से बाहर निकल आएगा। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और खाने में भी बड़े यम्मी हैं। आप इनको भी अपने घर पे ट्राई करना। ये देखिए कितने सुंदर और टेम्पटिंग लग रहे हैं। आप इनको सैंडविच को अपने घर पे ट्राई कीजिए और गरम गरम बना के आप भी इसको एंजॉय कीजिए। मैं ये थर्ड सैंडविच बना ली हूँ। ये है चीजी वेज सैंडविच। बहुत इजी है बनाना। झटपट से जो भी घर में सामान पड़ा हुआ है उसके हिसाब साथ आप बना सकते हो। इस सैंडविच के लिए ये 1 टेबलस्पून प्याज है, फाइनली चॉप्ड है। 1 टेबलस्पून शिमला मिर्च है। इसके साथ आप चाहो तो रेड शिमला मिर्च भी डाल सकते हो। ये कैरेट है, ये भी 1 टेबलस्पून के करीब है। और ये है टमाटो, ये भी फाइनली चॉप्ड है। और साथ में ये है स्वीट कॉर्न,
इनको मैंने गर्म पानी में पानी उबाल के उसमें 1 मिनट के लिए पानी में डाल के मैंने निकाल लिया और छान लिया। इसमें मैं 1/2 टीस्पून के करीब नमक डाल रही हूँ और साथ में 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर। आप चाहो तीखा करने के लिए तो इसमें आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। साथ में मैं 2 टेबलस्पून के करीब मेयोनीज डाल रही हूँ, मेन इसी का ही टेस्ट आएगा। और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। कितना सुंदर लग रहा है। ये मैं स्लाइस के एक तरफ मक्खन लगा रही हूँ। इसके मैंने दोनों स्लाइसेस पे एक तरफ मैंने मक्खन लगा दिया अच्छे से और अब दूसरी तरफ मैं ये फिलिंग फैलाऊंगी। ये झटपट से बनने वाला सैंडविच है और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा। मैं इस पे मोज़रेला चीज ग्रेट करके डाल रही हूँ। आप चाहो तो चेडर चीज भी डाल सकते हैं या चीज स्लाइस भी रख सकते हैं। अगर ग्रेट करके नहीं डालना होता तो उससे भी टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजी हो जाता है। तभी इसका, इस ब्रेड का नाम मैंने चीजी रखा है, चीजी वेज सैंडविच। इसके ऊपर मैंने दूसरा स्लाइस रख दिया जिसके ऊपर मैंने बटर, अब ये दोनों आउटर साइड पे मक्खन लगा हुआ है और मैं इसको नॉनस्टिक पैन में रख रही हूँ और गैस स्टार्टिंग से ही स्लो पे है और मैं इसको ढक रही हूँ 1 से 2 मिनट। एक मिनट हो गया है, अब मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ। मक्खन से क्रिस्पी अच्छा बन जाता है, ये देखो कितना अच्छा क्रिस्प आ गया। अब 1 मिनट दूसरी साइड से भी मैं पकाऊंगी। एक मिनट हो गया, इसकी दूसरी साइड भी बन गई है। अब मैं दूसरा वाला भी स्लाइस रख रही हूँ। गैस बिल्कुल स्लो है और ये भी 1-1 मिनट लगेगा। और ये देखिए इसकी दूसरी साइड, देखो कितना अच्छा क्रंच आ गया। ये दूसरा स्लाइस भी दोनों तरफ से हो गया और मैं गैस बंद कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा इसमें क्रंच आया, ये देखो आवाज आ रही है, काफी क्रिस्पी बनी है। अब इनको मैं काट रही हूँ, शार्प नाइफ लेके काटना है। ये देखो आराम से नाइफ अंदर चला गया। हमने ब्रेड को नहीं प्रेस करना, ब्रेड को प्रेस करेंगे तो अंदर की फिलिंग भी काटने में बाहर निकल आएगी। या आप पिज्जा कटर के साथ भी काट सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर है। मैं नाइफ रगड़ के चला रही हूँ, प्रेस करके नहीं चला रही, तभी इसकी आवाज आ रही है क्योंकि ब्रेड काफी क्रंची है। ये देखिए
इतना सुंदर है। अब मैं आपको नेक्स्ट फोर्थ सैंडविच बता रही हूँ, इसको भी आप ट्राई करना। मेरा चौथा सैंडविच है पास्ता सैंडविच। ये पानी मैंने रखा है, इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिए और साथ में नमक डाला है। और थोड़ा सा इसमें बॉईल आ जाएगा तो मैं पैन पास्ता इसमें दो कटोरी डाल दूंगी। ये पानी में बॉईल आ गया और मैं ये पैन पास्ता डाल रही हूँ दो कटोरी, और गैस को मैं थोड़ा मीडियम कर रही हूँ और ये 3 से 5 मिनट ले लेंगे उबलने के लिए। तीन से चार मिनट हो गए हैं, मेरे को लग रहा है पास्ता हो गए हैं, पक गए हैं। हमने इनको ओवर कुक नहीं करना। मैं आप ये साइड में निकाल के हल्का सा ये कट लगा के देखूंगी तो इससे पता चल जाता है कि ये इजिली कट गया, इट मींस कि ये हो चुका है। हमने इनको ओवर कुक नहीं करना। तो मैं गैस पर कर रही हूँ, अब इनको छन्नी से छान लूंगी। ये मैंने छन्नी से इनको इमीडिएटली छान लिया और ऊपर से ठंडा पानी डाल के इनको मैंने रेडी कर दिया। नाउ इट इज रेडी टू कुक। ये मैंने ऑयल डाला है कढ़ाई में 2 टेबलस्पून। अब सबसे पहले मैं इसमें गार्लिक डाल रही हूँ, इसको भून लेना गार्लिक को। गैस मेरी स्लो ही है, तेज पे नहीं करना। अब मैं प्याज डाल रही हूँ, एक प्याज है। ये प्याज ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब मैं चॉप्ड गाजर डाल रही हूँ, साथ में शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आप मैं हरी डाल रही हूँ, अगर आपको लाल और पीली भी अवेलेबल हो तो वो भी डाल सकते हैं। इनको भी 1 से 2 मिनट के लिए मैं भून लूंगी। गैस मीडियम ही है, तेज पे नहीं करना। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ, थोड़ा सा इनको भी मैं भूनूंगी। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच है, बाकी अपने स्वाद अनुसार डाल लें। 1/4 चम्मच के करीब ओरिगेनो, और साथ में पिज्जा सीजनिंग है। और तीखा करने के लिए चिली फ्लेक्स डालनी है तो आप आपकी मर्जी है डाल लो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटो सॉस। मैंने 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस डाल दी है। अब ये रेडी हो गया, मैं गैस बंद कर रही हूँ। गैस ऑफ करने के बाद थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं थोड़ी सी मेयोनीज डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसमें सब्जियों का टेस्ट बेटर आता है। इसमें मेयोनीज दिखाई दे रही है, हमने उसको हीट देके मेल्ट नहीं करना। और इसमें से मैं 1/4 पार्ट निकाल रही हूँ जो कि सैंडविच में लगाने के लिए। और अब ये बाकी के मसाले में मैं पास्ता जो कि मैंने कुक किए हुए हैं वो डाल रही हूँ और इनको मिक्स कर रही हूँ। ये रेड पास्ता है, ऐसे ही व्हाइट पास्ता भी बनता है। आप अगर सैंडविच बनाना चाहो तो व्हाइट पास्ता के साथ भी बना सकते हो, ये आपकी चॉइस है।
बच्चों के लिए तो ये सैंडविच बड़ा मनपसंद बनता है, चाहे व्हाइट हो या रेड हो। ये मैंने स्लाइसेस पे मक्खन लगा लिया है, ये आउटर साइड रहेगी। अब मैं इसके अंदर की तरफ ये जो मैंने 1/4 सब्जी निकाल ली थी वो लगा रही हूँ। अच्छे से कॉर्नर तक फैला देनी है। इसमें मैंने थोड़ी सी वैसे मेयोनीज ऊपर से डाल दी थी गैस बंद करने के बाद, तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गैस जल्दी में ही डाल दोगे तो वो मेल्ट हो जाती है, हीट लेती है, मेल्ट हो जाती है। अब इसके ऊपर और मेयोनीज में थोड़ी सी और डाल रही हूँ। मेयोनीज बच्चों को बड़ी पसंद आती है, तो इसी मेयोनीज के चक्कर में ही व्हाइट पास्ता बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये मैंने मेयोनीज इन सब्जियों के ऊपर डाल दी है और अब एक सेकंड पीस लेके मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। अब ये जो पैन पास्ता की मैंने वेजिटेबल बना रखी है वो सेकंड स्लाइस के ऊपर डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर मैंने पैन पास्ता की सब्जियां मैंने फैला दी हैं, इसके ऊपर मैं स्लाइस रख रही हूँ, चीज स्लाइस। चाहो तो ये इस स्लाइस को आप ऊपर मक्खन वाली जगह पे भी रख सकते हो और ऊपर से चिली फ्लेक्स डाल के इसको आप अवन में भी कर सकते हो। ये मैंने नॉनस्टिक पैन गरम कर रखा है, 1 मिनट के लिए ये स्लो गैस पे कुक हो रहा है, फिर मैं 1 मिनट बाद इसकी साइड चेंज कर दूंगी। 1 मिनट हो चुका है, मैं अब इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। मेरे ख्याल से हो चुका होगा रोस्ट भी, अच्छे से हो गया। अब ये भी 1 मिनट ही लेगा। अभी एक आधा मिनट हुआ है, क्योंकि पैन अच्छे से गर्म था इसलिए मैं जल्दी उतार रही हूँ, तो मक्खन के साथ जल्दी रोस्ट हो जाता है। ये दूसरी तरफ से भी सिक चुका है और मैं गैस बंद कर रही हूँ। देखो कितना सुंदर रोस्टेड फॉर्म में निकल के आया है, बिल्कुल करारा सा है। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, चीज भी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया। देखो कितना क्रंची है। मैं तीनों पीसेस को शार्प नाइफ से काट रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर बन के आया है सैंडविच। मेरे ख्याल से ऐसा सैंडविच बना हुआ देख के घर का कोई जना भी आपका फैमिली मेंबर मना नहीं करेगा कि हमने ये सैंडविच नहीं खाना। तो मैंने ये आपको आज अपनी किचन में चार मैंने आपको सैंडविचेस बना के बताए हैं। आप इनको घर पे अपने ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।